For more news and updates, visit our website realitymedia.in. And for more videos, subscribe our YouTube channel Reality Media. रियल एस्टेट कानून रेरा को लाने का ये मकसद था कि उससे पारदर्शिता आएगी रियल एस्टेट सेक्टर में, मगर रेरा के आ जाने से जहां घर खरीदारों को राहत महसूस होगी, वहीं पे ब्रोकर्स रेरा नियमों के सख्त खिलाफ है। बहुत से ब्रोकर्स का ये मानना है कि रेरा में केवल बिल्डरों का फायदा है और ब्रोकर्स के लिए इन नियमों में कुछ रखा ही नहीं है। ब्रोकर्स की ये भी शिकायत है कि उन्हें पेमेंट समय से नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हाल ही में इंद्रपुरा में ब्रोकर्स एसोसिएशन की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जहां पर रियलिटी मीडिया की टीम ने रियल एस्टेट ब्रोकर्स एसोसिएशन रेबा के मेंबर्स से बातचीत करी और उनकी समस्या को जाना। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी करो पूरी करो, बिल्डरों से मैंडेटरी करो, मैंडेटरी करो, मैंडेटरी। रेरा लोग समझ में, एक जनरल प्रॉपर्टी प्रोफेशनल रेरा को नहीं समझ में पाया, बहुत कन्फ्यूजन है उसके लिए, बहुत स्पेशली नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एक तो हम असंगठित मजदूर हैं, क्योंकि हमें कहीं से भी कोई पेमेंट एक बार में नहीं मिलता है या फिक्स इनकम हमारी नहीं है। हम जो भी होते हैं अपने कस्टमर के ऊपर होते हैं, और उसमें भी कस्टमर हमें हमारी इनकम का पूरा पैसा नहीं देता है, जिससे कि हम जैसे लोग मारे जाते हैं बाजार में। और दूसरी बड़ी बात, तभी लोग बोलते हैं कि यार उसने ऐसा प्रॉपर्टी बेचा, उसने ऐसी प्रॉपर्टी बेची, एटलीस्ट कोई ना कोई पैसों के लिए, और संगठन नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो गलत करके लोग चले जाते हैं और उससे पूरा जो रियल एस्टेट समाज है वो बदनाम हो जाता है। रेबा का अगला कदम क्या होगा? देखिए, रेबा का अगला कदम हमारा ये होगा कि हम संगठन को आगे की तरफ ले जाएं, मजबूती से हाथ बढ़ाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम रेरा के खिलाफ बिल्डर से हम NOC के लिए कि बिल्डर हमें NOC दें। RWA जो मनमानी कर रही है नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर, वैशाली, वसुंधरा, इंद्रपुरम के अंदर, उनकी मनमानियों को हम संगठन के लोग दबाएं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा रेरा में जो रेरा के कुछ पॉइंट्स है, कुछ फायदे उसमें बिल्डर्स के हैं बेसिकली, और हमारी है ब्रोकर के एसोसिएशन। तो ब्रोकर एसोसिएशन के खिलाफ इसलिए है क्योंकि आप देखोगे कि जैसे उसने फीस रखी है 2,50,000 रुपये और इंडिविजुअल के लिए 25,000 रुपये। हमने कभी इसका विरोध नहीं किया कि हम फीस देने को तैयार नहीं है, हम फीस देने को तैयार है, लेकिन नुकसान उसमें हमारा क्या है कि उसमें एक लो है कि यदि बिल्डर कोई भी डिफाल्टर निकलता है तो उसमें ब्रोकर की भी प्रॉब्लम है, ब्रोकर भी उसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है, उसके ऊपर भी उतना ही क्लेम होगा जितना बिल्डर के ऊपर है। तो बिल्डर क्या है कि बिल्डर तो अपना प्लॉट बेचता है, उसके लिए फीस भी बहुत कम है, आई थिंक 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेरा ने उसके लिए फीस रखी है। वो तो निकल सकता है, उसने माल बेचा, 2,000 प्लॉट बेचा उसने, तो 10-20 करोड़ इकट्ठे किए, लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया। एक बुकिंग की तभी जेल में जाएंगे, 10 बुकिंग की तभी जेल में जाएंगे। तो हम रेरा डिपार्टमेंट से यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए भी कुछ बनाया जाए। एक हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है कि रेरा हमें ये दे कि यदि हम आपके यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं तो हमें NOC प्रोवाइड करें। हमारी NOC के बिना कोई भी रजिस्ट्री ना हो, कोई भी लीज डीड ना हो, कोई भी लीगल जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी लीगल उसमें हमारे बिना ना किया जाए। अब देखना ये बनता है कि क्या ब्रोकर्स की मांगों को सुना जाएगा और क्या रेरा नियमों में कोई ठोस बदलाव किया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। We'll be right back.